वेलकम बैक टू स्टॉक्स पावर यूट्यूब चैनल। तो आज आप हम टाटा टेली सर्विसेज स्टॉक के बारे में बात करने वाले हैं, लेटेस्ट अपडेट यहाँ पे देखने वाले। यानी कि टाटा टेली सर्विसेज स्टॉक की बात की जाए तो यहाँ पे आप देख रहे हैं आज 113.80 पे ट्रेडिंग कर रहा है, तकरीबन 1.70 पैसे अप है, 1.52% अप है, यहाँ पे रैली कर रहा हूँ नजर आ चुका है आज टीटीएमएल स्टॉक। तो यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वॉल्यूम भी देखा जाए आज के दिन में तो 3.9 मिलियन का वॉल्यूम देखने को मिला है यहाँ पे आप देख सकते हैं टीटीएमएल स्टॉक के अंदर। और देखा जाए तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आज फिर से हल्की सी मूवमेंट, कल भी एक हल्की सी मूवमेंट देखने को मिली थी, आज भी हल्की सी मूवमेंट देखने को मिले। तो इन्वेस्टमेंट करने के लिए देखा जाए तो वीक स्टॉक यहाँ पे दिखाई दे रहा है, पर यहाँ पे ट्रेंड लाइन के हिसाब से देखा जाए तो डेरिवेटिव स्कोर भी यहाँ पे लो है, यहाँ पे आप देख सकते हैं वैल्यूएशन स्कोर भी लो है, और मोमेंटम स्कोर की बात किया तो यहाँ पे लो दिखाते हुए नजर आ चुका है। तो 52 वीक जो हाई है वो यहाँ पे आप देख सकते हैं 290 का बना के यहाँ पे तकरीबन वहां से देख सकते हैं कि गिरावट देखने को मिले। अभी रिसेंटली 113 पे ट्रेडिंग करा है, बहुत सी गिरावट देखने को मिले। तो बाकी के डिटेल भी देखेंगे यहाँ पे आप देख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे मीन्स यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे स्टॉक के जो बाकी के डिटेल्स है, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं क्वार्टर के नतीजे देखे जाए तो मार्च में यहाँ पे आप देख सकते हैं कि तकरीबन मार्च 2022 इस साल मार्च क्वार्टर में 1200 करोड़ का यहाँ पे लॉस होता हुआ नजर आ चुका है। तो यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे आप देख सकते थे कि मूविंग एवरेज के हिसाब से भी देखा जाए तो बेरिश मूवमेंट दिखाई दे रहा है। मीन्स यहाँ पे देख सकते कि तकरीबन कितने बेरिश मूविंग एवरेजेस है, तकरीबन 16 मूविंग एवरेजेस टोटल यहाँ पे आप देख सकते हैं मेन मूविंग एवरेजों के साथ सभी मूविंग एवरेजेस जो है बेरिश दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे आप देख सकते टीटीएमएल स्टॉक के लिए। और बाकी के डिटेल देखे जाए, रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट की बात की जाए तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो रेजिस्टेंस थे वो यहाँ पे इस मंथ के 117 पे था रेजिस्टेंस, सेकंड रेजिस्टेंस था 122 और थर्ड था 129। सपोर्ट की बात किया तो सपोर्ट भी देख सकते, फर्स्ट सपोर्ट 104 लेवल पे, सेकेंड सपोर्ट 97 पे और थर्ड सपोर्ट जो है 92 लेवल पे है। तो एमएसईडी भी माइनस में यहाँ पे आप देख सकते हैं, आरएसआई 39.8 लेवल पे ट्रेडिंग कर रहा है, मनी फ्लो इंडेक्स यहाँ पे न्यूट्रल है, और देखा जाए एमएसईडी सिग्नल लाइन भी यहाँ पे बेरिश दिखाती हुई नजर आ रही है। तो बाकी के डिटेल देखे जाए तो यहाँ पे आप देख सकते होल्डिंग पैटर्न भी देखा जाए तो देख सकते टोटल जो होल्डिंग है यहाँ पे प्रमोटर होल्डिंग देख सकते तकरीबन 74.36% की है, पब्लिक होल्डिंग 24% की है, और बाकी की जो होल्डिंग रह चुकी है एफआई की होल्डिंग 1.59% की दिखाती हुई नजर आ रही है। तो यहाँ पे बाकी के डिटेल देखे जाए तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एफआई होल्डिंग देख सकते कि इस साल में बढ़ती हुई दिखाई दे, मार्च 2022 में बढ़ती हुई दिखाई दी है। यहाँ पे आप देख सकते म्यूचुअल फंड होल्डिंग जो थी वो भी कम हो चुकी है इस साल में। बल्ड डील की भी बात किया तो करंटली कोई बल्ड डील नहीं हो चुकी है यहाँ पे आप देख सकते हैं कि टीटीएमएल स्टॉक में। तो देख सकते 19 फेब के बाद यहाँ पे कोई बल्ड डील नहीं हो चुकी थी। तो ये थे लेटेस्ट अपडेट यहाँ पे आप देख सकते टीटीएमएल स्टॉक के लिए।